आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर राजस्थान और गोवा के प्रभारी आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी हमारे बीच में हैं और एक विशेष हमारे आग्रह पर और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश के अंदर आज 70 स्थानों पर की जा रही है उसी माध्यम से मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अविनाश खन्ना जी से कि वो आप सबसे बात करें। जैसा हम सबको मालूम है, आपको भी मालूम है कि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा झूठ सारे देश में बोलना शुरू किया, उनके नेताओं ने, खास तौर पर उनके अध्यक्ष ने। वो इतना झूठ बोला कि आज उस बात को साबित हो गया कांग्रेस ने झूठ बोलने की पीएचडी की हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अभी राइफल के ऊपर जो निर्णय दिया है, जो जितने भी पहलू थे, चाहे वो सौदा करने की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसकी प्राइस और पार्टनर, उन सब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो सौदा हुआ है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे से हुआ है, निर्णय प्रक्रिया भी ठीक हुई है। जो ऑफसेट पार्टनर हैं उनके बारे में भी उन्होंने जो ऑब्जेक्शन थे उसको आउटराइटली रिजेक्ट किया है और कीमत को लेकर भी उन्होंने अपना निर्णय जो है वो दिया है। इसके बावजूद भी जो कांग्रेस है, बार बार हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए हर बात के ऊपर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस उसके लिए भागती रही। आज उस बात को जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो आज भी वो फिर भी उस फैसले को मानना, खुशी से मानना, क्योंकि सबसे बड़ा वो फॉर्म है देश का, न्यायालय का, लेकिन आज भी उसको वो मानने को शायद तैयार नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि झूठ बोलने में कांग्रेस के नेता बड़े माहर हैं, और मैं जो पहले कहा कि उन्होंने झूठ बोलने की पीएचडी कर रखी है। एक बात मैं ज़रूर कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब देश की सुरक्षा का मामला हो, और ये कोई इंटरनली बात नहीं है, यहाँ का प्राइवेट कोई बात नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पर दो देशों के बीच में एक समझौता है, इसका इम्पैक्ट जो है वो इंटरनेशनली पड़ा कि किस ढंग से भारत की ऑपोजिशन जो है वो सोच रही है। आज 2001 में ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, कांग्रेस ने किन्हीं कारणों के कारण इसको पूरा नहीं किया। जब देश की हमें हवाई उसके लिए देखा, एयरफोर्स को देखा कि उसको ज़रूरत है, क्योंकि बाकी देशों ने, खास तौर पे चाइना पाकिस्तान ने ये ऑलरेडी परचेज कर लिया है, तो उसको मीट करने के लिए, उसको जवाब देने के लिए हमारे पास ऐसा कौन सा जहाज है जो, तो रेफल एक अल्टरनेटिव हमारे पास था, तो इमीडिएटली हमारी सरकार ने उसको परचेज करने का फैसला किया। परचेज करते ही जब फैसला हुआ, उसके बाद आपने देखा होगा कि जो जिस ढंग से कांग्रेस के लोगों के बयान आ रहे हैं, कई बार वो पाकिस्तान की बोली बोलते हैं। अफसोस है मुझे ये बात आपको बताते हुए कि उनके एक नेता, एक मंत्री जब राजस्थान की कंपेन में गए तो वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, और किसी भी कांग्रेसी ने उस बात को कंडेम नहीं किया। इसका इंडिकेशन क्या है हम देख सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक सेना जो देश की रक्षा करती है, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको डिले करने का एक बहुत बड़ा इन्होंने साधन बना रखा था, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि चाहती है कि हमारी सेना हर बात में सक्षम रहे, तो ये हमने सौदा किया है। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी अदालत यहाँ पर नहीं है। एक वो आप पूछो, आपके मन में भी होगा कि जी जेपीसी क्यों नहीं आप करते। जेपीसी बनती है सभी पार्टियों के 30-35 मेंबरों की।
हमने उनको ऑफर दी कि पार्लियामेंट के 800 से ऊपर मेंबर हैं, 545 लोकसभा में और 245 राज्यसभा में, आप जो चर्चा है 30 लोगों के बजाय आप 850 में क्यों नहीं करना चाहते, उससे कांग्रेस भाग रही है। तो इसलिए जब एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, मैं कांग्रेस के अध्यक्ष को एक कहना चाहता हूं कि वो जनता से माफ़ी मांगे और अपनी गलती का एहसास करे, और क्योंकि उसने उस पद पे रहते हुए, वो मेंबर पार्लियामेंट है, उस पद पे रहते हुए ये स्टेटमेंट दिए हैं, उसको उस पद से भी इस्तीफा देना चाहिए। चलिए कोई सवाल अगर किसी के हो। एक्चुअली कुछ क्लरिकल मिस्टेक्स है उसके लिए, क्या आप बता दीजिए? है, बस एफिडेविट मैंने पढ़ा नहीं है, हाँ, इसलिए मैं आपको कह नहीं सकता कि मैं भी बिना उसके बात नहीं कर सकता। अविनाश राय जी, वो कैग रिपोर्ट का बड़ा एक सवाल है जो मतलब कांग्रेस भी उठा रही है कि कैग रिपोर्ट जो है वो पीएसी के पास अभी आई नहीं। देखिए ऐसा है, मैं सिर्फ एक बात को यहाँ कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कर दिया उसके बारे बाद में ना आप जा सकते हैं, मैं ना जा सकता। नहीं, अभी मुझे इसके बारे में कमेंट नहीं किया। ठीक है जी, थैंक यू।